दोस्तों अगर आप वाईफाई यूज करके कुछ भी डाउनलोड करते हैं, बड़ा साइज का फाइल डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका वाईफाई टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाता है तो क्या करना चाहिए, इसमें बताएंगे। पहले आपको करना चाहिए, आपका डिवाइस मैनेजर के अंदर जाकर नेटवर्क सेक्शन के अंदर आपका वाईफाई अडाप्टर होता है, यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके उसके जो प्रॉपर्टीज लेते हैं तो आप देख सकते हैं पावर मैनेजमेंट, यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ दिस कंप्यूटर टू टर्न ऑफ द डिवाइस टू सेव पावर। जी हाँ, पावर सेव करने के लिए आपका जो ये जो वाईफाई का जो अडाप्टर है इसे टर्न ऑफ करने का परमिशन देते हैं आप कंप्यूटर को, विंडोज को परमिशन दे चुके हैं। अगर ये एनेबल्ड है तो इसे आप डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद अगर आप ट्राई करते हैं बड़ा साइज का फाइल डाउनलोड करने के लिए, जो वाईफाई ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ होने का जो इश्यू था आप फिक्स कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ भी इश्यूज है तो सेकंड स्टेप आपको करना चाहिए, डिवाइस मैनेजर के अंदर जाकर नेटवर्क सेशन पर आपका जो वाईफाई का जो अडैप्टर है इसका जो ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं या अनइंस्टॉल करके आप रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं। वैसे आपको रीइंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होगा, आप अनइंस्टॉल करते हैं तो रीस्टार्ट करने पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपका वाईफाई अडैप्टर का जो सही ड्राइवर होता है और अवेलेबल नहीं होता। अगर आपके पास सही ड्राइवर अवेलेबल है तो उसे पॉइंट आउट कर दीजिए, चाहे यूएसबी ड्राइव से हो या कोई सीडी ड्राइव से हो, आप उस नेटवर्क अडैप्टर का सही ड्राइवर को आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आप ट्राई करके देखिए, लार्जर फाइल डाउनलोड करके देखिए, आपका इश्यू कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। जी हाँ, अभी भी आपका इश्यू परसिस्ट करता है, रिसोल्व नहीं हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर आंसर करूंगा। इस फिल्म में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अंटूस्म चैनल, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।